एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे। उनमें से एक था भालू, जो बहुत बड़ा और मजबूत था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन जंगल में एक नया खरगोश आया। वह बहुत चंचल और उत्साही था। वह जंगल में घूम रहा था कि उसको भालू दिखाई दिया। खरगोश ने पहले कभी भालू नहीं देखा था। वह उससे डर गया और भागने लगा। भालू को खरगोश पर तरस आ गया। उसने खरगोश को रोका और कहा, डर मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। खरगोश ने कहा, लेकिन तुम बहुत बड़े और मजबूत हो, तुम मुझे आसानी से खा सकते हो। भालू ने कहा, मैं तुम्हें खा नहीं सकता, मैं एक शाकाहारी हूँ। खरगोश ने कहा, सच? भालू ने कहा, हाँ सच। खरगोश ने कहा, मुझे माफ करना, मैं डर गया था, मैंने पहले कभी भालू नहीं देखा था। भालू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। भालू और खरगोश दोस्त बन गए। वह अक्सर जंगल में एक साथ खेलते थी। एक दिन खरगोश ने भालू से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। भालू ने कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। खरगोश और भालू हमेशा के लिए दोस्त बने रहे। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्त बनाने के लिए हमेशा दूसरों को एक मौका देना चाहिए। तुम कभी नहीं जानते कि तुम्हारा कौन दोस्त बन सकता है।